एमएस यूनिवर्सिटी नी कॉमर्स फैकल्टी खाते आज रोज युवा ग्रुप द्वारा आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। वडोदरा नी एमएस यूनिवर्सिटी नी कॉमर्स फैकल्टी खाते युवा ग्रुप द्वारा आज पड़तर प्रश्न ने लईने वाइस डीन ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। एमकॉम एडमिशन प्रोसेस जल्दी चालू थाय जेनी माटे भारे सूत्रोच्चार साथे वाइस ना डीन उमेश डांगरवाला ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं। जुलाई एंडिंग आवी गयो छे पण हजु सुधी प्रोसेस चालू कर्यो नथी। विद्यार्थीओ चिंतित छे माटे विद्यार्थीओ आजे प्रशासन ने ध्याने आवे जेने लईने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। आज रोज हमने कॉमर्स फैकल्टी के वाइस डीन उमेश डांगरवाला सर को एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें हमने रजूआत करी है कि एमकॉम के एडमिशन की प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट करने में आए और एमकॉम का क्राइटेरिया भी डिक्लेयर करने में आए, क्योंकि एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गए और दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म आए हो चुकी है। और एमएस यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि जो विद्यार्थियों को एमएस यूनिवर्सिटी में एमकॉम के क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिशन नहीं मिलेगा तो वो विद्यार्थी को दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। अब वो विद्यार्थी एमएस में एडमिशन ना मिलने की वजह से कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा तो दूसरी कॉलेज में भी एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। जो ये ना हो इसलिए हमने आज रजूआत करी है सर से, और सर के द्वारा हमको कहने में आया है कि हम दो दिन के अंदर एमकॉम का क्राइटेरिया डिक्लेयर करेंगे। हम दो दिन वेट करेंगे, दो दिन के अंदर एमकॉम का क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं होगा तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया माटे कमिटी बनावा आवी छे, कमिटी ए ऊपर काम करी रही छे अने टूंक समय में एनो प्रोग्राम जाहेर थई जशे। अमने पण ख्याल छे के बीकॉम नुं रिजल्ट आवी गयुं छे, विद्यार्थीओने अमे एडमिशन फॉर्म भरावी दीधा छे, एनी स्क्रूटिनी पण चाली रही छे, साथे साथे प्रोग्राम बनावी एनी एडमिशननी प्रक्रिया पण जाहेर करवामां आवशे।